नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपनी ऐप चैनल पर। आज का जो वीडियो है ग्रो एप्लीकेशन पर पिन को लगाने से संबंधित है। जैसे मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक कंप्लीट सेटअप करने के लिए बोल रहा है, लॉगिन नहीं है। इस वजह से हम अगर लॉगिन करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो अलग आईडी से मैंने जो है पिन डाला हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये सीन हो रहा है। मैं आपको अपनी मेन आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटर ग्रो पिन का बटन आता है। अगर इस पर मैं टैप करूँ तो मुझे यहाँ पर पिन डालना होगा। ये पिन आप कैसे सेट कर सकते हैं, आपने हो सकता है ना सेट किया हो अभी तक, या फिर फिंगरप्रिंट से खोल लेते हैं, या फिर बिना फिंगरप्रिंट के ही ओपन हो जाता होगा। तो कैसे सेट करना है, सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे जीरोधा से संबंधित, ग्रो से संबंधित, काइट से संबंधित, ताकि आपको इन चीज़ों का भी नॉलेज हो जाए और एप्लीकेशन आप अच्छे से यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले अपनी जो फोटो है यहाँ पर राइट कॉर्नर पर देख रहे हैं, इस पर टैप करो। टैप करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स दिख जाती है, यहाँ पर आपको ग्रो बैलेंस, ऑल ऑर्डर्स, बैंक डिटेल्स, रिफर एंड अर्न सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर जो सेटिंग का बटन है, गियर का जो आपको लोगो दिख रहा है, उस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही डार्क मोड, मैनेज नोटिफिकेशन, चेंज पासवर्ड, चेंज पिन, लॉगआउट का ऑप्शन आ जाता है। तो आप ये देख रहे हैं चेंज पिन, ज़रूरी नहीं है कि आपका पिन हो तभी चेंज पिन का ऑप्शन आएगा। आपने नया नया लॉगिन किया है तब भी ये चेंज पिन का ऑप्शन यहाँ पर रहता है दोस्तों। ये क्रिएट पिन का ऑप्शन की जगह उन्होंने चेंज पिन ही डाल दिया सीधा सीधा। तो आप क्या करेंगे, चेंज पिन के बटन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये सेट ग्रो पिन का ऑप्शन आता है। देखिए आप देख रहे हैं सेट ग्रो पिन, मेरा तो पिन था फिर उन्होंने पहला पिन क्यों नहीं मांगा। तो मैं यहाँ पर एक पिन डाल देता हूँ, जैसे हमने डाल दिया 1 2 3 4, इसको मैं करता हूँ कन्फर्म। एंटर ओटीपी टू वेरीफाई अकाउंट। अब देखो ओटीपी ये भेज देंगे एक, तो अभी 25 सेकंड के अंदर ओटीपी आएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाती है। जैसे आपने देखा 02 3 9 4 7 जो भी है ओटीपी यहाँ पर डाल दिया, इसको आपको सिंपल कन्फर्म कर देना है। और ये जो है हमारा पिन हो गया। अभी अगर मैं इसको किल कर देता हूँ एप्लीकेशन को और वापस से ग्रो ओपन करता हूँ, तो अभी ये पिन मांग रहा है। अब एंटर ग्रो पिन डालूंगा यहाँ पर 1 2 3 4। आप सभी को पता है कि पहले मैंने दूसरा पिन यूज किया था, अभी 1 2 3 4 मेरा पिन सेट हो चुका है। सेफ्टी के लिहाज से ज्यादा अच्छा हो गया। अगर मैं इसको वापस किल करूँ, अगर मैं इसको वापस किल करता हूँ और फिर से यहाँ पर करता हूँ, अब जैसे मैंने उंगली सेट कर रखी है यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर उंगली लगाऊंगा और ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको सिंपल वो आपके फ़ोन में अगर फिंगरप्रिंट लॉक है तो वहाँ उस ऐप लॉक में जाकर की सेटिंग करनी होती है। वो भी कोई सेटिंग करनी नहीं होती, खुद ही पूछ लेता है और आप वो कर सकते हैं आसानी से। अगर चाहते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो रहे तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए बता दूंगा। तो वीडियो में आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी ग्रो यूज़ कीजिए, इसमें स्टॉक खरीदिए, म्यूचुअल फंड्स लगाइए, काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो मेरा वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।